नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो आज बाजार फर्स्ट में हमारी खास पेशकश है शुगर की बीमारी। तो दर्शकों, जब चीनी सस्ती थी तो चीनी मिलें शोर मचा रही थी कि चीनी के दाम उनकी लागत से काफी कम है। चीनी मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का पैसा भी नहीं चुका पा रही थी। इस मामले पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा कि किसानों को उनका करोड़ों बकाया रुपया मिले और इसमें काफी सफलता भी मिली। इस बीच पूरे विश्व में चीनी उत्पादन कम रहने की बातें आई और चीनी के दाम देश विदेश में तेजी से बढ़े एवं घरेलू बाजार में चीनी रिटेल में 40 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई और अभी इस तेजी के थमने की संभावना कम ही है। हालांकि इस तेजी के बावजूद मिले कहती हैं कि चीनी के बढ़े दामों के बावजूद उन्हें घाटा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी कमोडिटी एक्सचेंज जो आईसीई में चीनी के दाम मार्च में 17 महीने की ऊंचाई पर 4.6 सेंट्स प्रति पाउंड पहुंच गए। ये तेजी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसओ द्वारा चीनी के वैश्विक उत्पादन को कम बताने के बाद आई है। तो चीनी सस्ती भी ठीक नहीं, चीनी महंगी भी उचित नहीं। आखिर क्या है शुगर की यह बीमारी? चीनी मिलों पर निर्यात का दबाव, चीनी का कम उत्पादन और ऊपर से गर्मी के मौसम में चीनी की बढ़ती खपत। तो क्या होगा इस बार चीनी में, इस पर आज बाजार फर्स्ट में चर्चा होगी। तो वहीं हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ रहे हैं चीनी बाजार विशेषज्ञ रामबाबू सिंघल, सत्यनारायण चितलांगिया, पुरुषोत्तम काबरा और फर्स्ट इंडिया न्यूज के बिजनेस एडिटर कबल शर्मा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शुगर की बीमारी में। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं इस चीनी के निर्यात पर कि पिछला साल कैसा रहा है या इस साल कैसा रहने वाला है। आपको बता दें, भारत में वर्ष 2015-16 में चीनी का उत्पादन 31 मार्च 2016 तक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.43% कम रहा। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा की राय में महाराष्ट्र में इस साल चीनी का उत्पादन कम रहने के बावजूद 1 अक्टूबर 2016 को इसका ओपनिंग स्टॉक जरूरत के अनुरूप रहेगा। तो देखते हैं 31 मार्च तक चीनी उत्पादन की क्या स्थिति रही देश में। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा का कहना है कि 31 मार्च 2016 तक देश भर में चीनी उत्पादन 237 लाख टन हुआ, जिसमें 11 लाख टन चीनी पिछले साल की है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 31 मार्च 2016 तक 82 लाख टन रहा, जो पिछले साल समान समय में 93,60,000 टन था। राज्य में 31 मार्च 2016 तक 135 चीनी मिलों का संचालन हो रहा था। राज्य में भी 5 से 6 लाख टन चीनी का और उत्पादन होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने 31 मार्च 2016 तक 65,70,000 टन चीनी का उत्पादन किया, जो पिछले साल समान समय में 63,40,000 टन था। हालांकि पिछले साल इस समय तक राज्य में जहां 76 चीनी मिलों का संचालन हो रहा था, वहीं वर्तमान में यह संख्या घटकर केवल 48 रह गई है। कर्नाटक में 31 मार्च 2016 तक चीनी का उत्पादन 40,16,000 टन हुआ, जो पिछले साल समान समय में 42,47,000 टन था। वहीं बात तमिलनाडु की जाए तो राज्य में 31 मार्च 2016 तक चीनी का उत्पादन 8 लाख टन रहा, जो पिछले साल समान समय के उत्पादन में 7.5 लाख टन से थोड़ा अधिक है। राज्य में पिछले साल 38 चीनी की मिलें चालू थी, जिनकी संख्या इस साल 39 है। राज्य में चीनी का स्पेशल सीजन जुलाई सितंबर होगा, जिसमें 6 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद की जा सकती है। चालू वर्ष में चीनी मिले घरेलू खपत जितने चीनी का उत्पादन करेगी। इस साल चीनी का ओपनिंग स्टॉक 91 लाख टन था, जबकि अब तक 11.5 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। वहीं इसके अलावा 3 लाख टन चीनी का निर्यात आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है। यदि और चीनी निर्यात के सौदे नहीं होते हैं तो 1 अक्टूबर 2016 को शुरू होने वाले नए वर्ष में चीनी का ओपनिंग स्टॉक 75 लाख टन रहने की उम्मीद है। तो चलिए कार्यक्रम में चर्चा शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल हमारे स्टूडियो में पधारे गेस्ट रामबाबू सिंघल जी से है। रामबाबू जी, मैं जानना चाहूंगी कि चीनी सस्ती तो मिलों का हल्ला, चीनी महंगी तो कंज्यूमर का शोर, आखिर क्या है ये चीनी की बीमारी? चीनी के जो भाव आज वाजिब दाम है और आज की परिस्थिति में जो हल्ला हो रहा है तेजी का बाजार के अंदर, वो ठीक नहीं है। इस समय जो
चीनी मिलें हैं वो पिछले साल जो इनको नुकसान लगा वो भी इनको कवर करना है, और इस साल अगर चीनी यही भाव बिकती है तो इनको पिछले साल जो नुकसान लगा है और जो किसानों का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो किसानों का पेमेंट भी हो जाएगा इस जगह, और गवर्नमेंट के ऊपर इस रेट पर भार नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि चीनी के जो आज के भाव है ये वाजिब है, और इसी लेवल पे चीनी के भाव टिके रहेंगे अगले महीने तक। ये पुरुषोत्तम जी, आपसे बातचीत पूछेंगे कि मानसून विभाग ने इस साल देश में बहुत अच्छा मानसून रहने की बात कही है, इसका चीनी उद्योग पे क्या असर होगा? मानसून विभाग ने जो मानसून बढ़िया रहने के लिए अभी घोषणा करी है उससे चीनी उद्योग पे इसका पॉजिटिव असर आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पानी की कमी है और गन्ना नहीं हो पा रहा है जिससे चीनी मिलें नहीं चल पा रही गन्ना नहीं मिलने के कारण, तो वो गन्ना आपके पैदा अच्छा होगा और उससे चीनी मिले चल पाएगी और चीनी का उत्पादन भी अच्छा होगा। अच्छा, इस साल लेकिन गर्मी का सीजन काफ़ी पहले शुरू हो गया है, तो डिमांड और जो प्राइस मूवमेंट है वो किस तरह का होगा आगे आने वाले दिनों में? गर्मी का सीजन शुरू हो गया, गर्मी में वैसे खपत जो जनरली होती है उससे 20-25% एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि आइसक्रीम पेय पदार्थ वगैरह सभी में चीनी ज़्यादा मात्रा में काम आती है। आने वाले समय में ज़्यादा महंगाई तो नहीं लगती है चीनी में, कि ये जो वर्तमान भाव है यहीं पर चीनी चलती रहेगी और यहीं पर चलती रहे ज़्यादा बढ़िया है ये। सत्यनारायण जी, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि लोग आज भी मोरारजी देसाई के समय को याद करते हैं कि चीनी उस समय बहुत सस्ती थी और अब महंगी है, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, एक तो जमाना मोरारजी देसाई 77 में आए थे जी, और आज हो गया 2016, 40 साल का फर्क है, और वो भाव एक 1.5 रुपये किलो 2 रुपये किलो कोई चीज़ बिके जिसकी कॉस्टिंग नहीं आवे, किसान को पैसा नहीं मिले, मिल की जो कॉस्टिंग होती है वो नहीं मिले, तो वो वाजिब बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे जो महंगी चीनी है उसका गुड़ पर कोई असर देखने को मिल रहा है या नहीं? निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो असर आएगा ही आएगा, चीनी महंगी होने से थोड़ा गुड़ पर असर आएगा। नहीं, मांग में कोई डिफरेंस आया कि गुड़ पर लोगों ने स्विच ओवर किया हो? नहीं, ऐसा नहीं, चीनी वाले चीनी पे रहते हैं, गुड़ वाले गुड़ पे रहते हैं। तो फिर एक जो चीनी का ट्रेडर है उसको शॉर्ट टर्म में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, सारी जो चीनी के बारे में जो विवेचना है वो सरकार के हाथ में रहती है हमेशा। आज मान लीजिए चीनी को ये निर्यात सस्पेंड कर देती है गवर्नमेंट, उस पर सब्सिडी हटा, मतलब सब्सिडी अभी सस्पेंड कर देती है क्योंकि बंद तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भविष्य के लिए अच्छा है कि निर्यात होता रहे, बाकी सस्पेंड कर देवे तो फिर थोड़ा इसमें नेगेटिव आ सकता है, अदरवाइज ये भाव एकदम रीजनेबल है। लेकिन जी, मैं भी एक प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी कि समूची दुनिया में इस साल चीनी की शॉर्टेज रहने की बात कही जा रही है लेकिन हम फिर भी निर्यात कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई हमारे लिए फायदेमंद है? देखिए, इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें, और जो शॉर्टेज बताई जा रही है उसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। इसमें मात्र जो शॉर्टेज बताई गई है वो केवल रॉ शुगर की बताई जाती है, और रॉ शुगर विश्व में केवल 2 देश बनाते हैं, ब्राज़ील और थाईलैंड। कोई बता रहा है 5 मिलियन टन की शॉर्टेज है और कोई बोल रहा है 7 मिलियन टन की शॉर्टेज है, परंतु फिर भी ब्राज़ील में जो चीनी का जो अभी मार्च का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और चीनी के भाव अच्छे होने की वजह से अब की बार वो हो सकता है कि जो उनका जो रेशो होता है एथेनॉल और चीनी का उसमें वो फ़र्क लेके आ सकते हैं। तो लेकिन इस माने जैसे 2015-16 के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 75 लाख टन माना है, और वर्ल्ड वाइड देखें तो शॉर्टेज आ रही है चीनी की, उसमें भारत को किस तरह से बेनिफिट हो सकता है? 75 लाख टन का स्टॉक सफिशेंट है जी, बशर्ते कि हमारे यहाँ बारिश जो कि अनुमान लगाया गया है वो अच्छी होने की संभावना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 75 लाख टन का स्टॉक जो होता है वो करीब करीब 3 महीने 3.5 महीने का होता है। लेकिन पुरुषोत्तम जी, ये जो चीनी का स्टॉक है, अब बारिश भी अच्छी है लेकिन अलिनो का असर विश्व में कई जगह देखा जा रहा है, उस तरह से क्या भारतीय चीनी को बेनिफिट मिलेगा पूरी समूची दुनिया में अगर हम निर्यात करना चाहें तो? निर्यात करना चाहेंगे तो भारत को फ़ायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में काफ़ी महंगी हो चुकी चीनी, उस पर क्या वो लोग हमसे आयात करना चाहेंगे इन भावों पर?
क्योंकि देखा जाए तो डोमेस्टिक प्राइस इतने ऊंचे हैं कि उसके बाद हमारा निर्यात सौदे लगभग रुके हुए हैं इस समय। इन भावों पे तो आयात नहीं करेंगे वो, या तो इंटरनेशनल बढ़ेगा या डोमेस्टिक मार्केट घटे अपने, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा। एक्सपोर्ट पे आपकी क्या राय होगी सत्यनारायण जी इस मामले पर कि जब अपने आप प्राइस काफ़ी ऊँचे हैं? देखिए पिछले एक महीने में इंटरनेशनल मार्केट में करीब करीब 12% की मंदी है, तो इसलिए हमारे यहाँ से कोई पैरिटी नहीं है यहाँ से जाने का, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ से संभावनाएं कम है अभी जाने की। जो कुछ पहले के सौदे हुए हैं वो अलग बात है, बाकी एक चीनी का एक मतलब जो भाव है कंज्यूमर किसान और मिलों को देखते हुए वो एकदम रीजनेबल स्तर पर रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। जी कमल जी, एक प्रश्न मेरा है आप सभी गेस्ट से कि 1 अक्टूबर 2016 से जो चीनी का नया वर्ष शुरू होगा उसको लेकर आप लोगों का क्या नज़रिया है? तो सबसे पहले पुरुषोत्तम काबरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। चीनी का जो वर्ष 2016 शुरू होगा उसमें चीनी का ओपनिंग स्टॉक करीब 75 से 80 लाख टन अपने पास रहेगा, और यदि बारिश अच्छी होती तो चीनी का प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, इसलिए आगे आने वाले साल में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी तेजी की। जी बिल्कुल, राम बाबू जी आपका क्या नज़रिया रहेगा इसको लेकर? मेरे विचार से जो महाराष्ट्र की जो पोजीशन है सूखे की आज की तारीख में, अगर बारिश बढ़िया भी होती है तो गन्ने की बिजाई पे बहुत इसका असर पड़ेगा, गन्ने की बिजाई नहीं हो पाएगी क्योंकि किसान पहले से हताश है, और चीनी का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में काफ़ी कम होगा, अपने को हिंदुस्तान को चीनी के लिए यूपी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, यूपी में अच्छा रहेगा और महाराष्ट्र में कम रहेगा, और वहाँ इस समय जो किसान है उसने जो पुराना मतलब कि इसमें 3 साल चलता है इसका पीरियड बिजाई का, तो किसान ने गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हम किस मतलब इनको गन्ने वाले को पानी नहीं देंगे, और बिजाई का सीज़न तो यही रहेगा, बारिश अच्छी भी आ जाती है तो महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन पिछले साल जितना हो पाएगा जी। मैं इस नजरिए से थोड़ा असहमत हूँ इन लोगों से। ये स्थिति कर्नाटक में भी हो सकती है, कर्नाटक में हो सकती है स्थिति, कर्नाटक भी सूखे से पीड़ित रहा है। बिल्कुल सही है आप जी। कमल जी अब मैं सत्यनारायण जी से भी जानना चाहूंगी कि उनका क्या नजरिया है इसको लेकर। देखिए बारिश पे सारा खेल डिपेंड करता है वो ठीक है, यदि बारिश अच्छी होती है तो जो रामबाबू जी ने कहा कि गन्ना का जो फसल है बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि 19% ज़्यादा हुआ है, हमें बुआई ज़्यादा की गई है, तो इसलिए जो प्रॉब्लम मतलब जो 19% की गई है वो चारे के हिसाब से की गई है, यदि बारिश अच्छी हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी चीनी की, सारा खेल बारिश पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, तो यही रोकना चाहूंगी अभी आपको मैं, क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी कि चीनी का इस साल कैसा रहा या आने वाला साल कैसा रहेगा, तो बने रहिए हमारे इस खास पेशकश शुगर की बीमारी में।